फाइनली बॉलीवुड के अभी तक की सबसे बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म सिंघम अगेन को टक्कर देने आ चुकी बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन की साल 2024 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म भूल भुलैया 3। तो अगर आप भी फिल्म के ट्रेलर को देख चुके हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बारे में कि क्या ये फिल्म का ट्रेलर सिंघम अगेन जैसी फिल्म को टक्कर दे पा रहा है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ट्रेलर की ड्यूरेशन के बारे में तो ट्रेलर की ड्यूरेशन लगभग 3 मिनट और 50 सेकंड की देखी जा रही है, लेकिन इतनी लंबी ड्यूरेशन कैसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा इंगेजिंग लग रहा है। अगर बात करें फिल्म की कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में तो फिल्म काफी दमदार होने वाली। जी हाँ, फिल्म की स्टार कास्ट काफी बेहतरीन होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सिंघम अगेन की स्टार कास्ट भी काफी लंबी चौड़ी होने वाली, वैसे ही फिल्म भूल भुलैया 3 की स्टार कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है, जिसमें कि हमें बड़े एक्टर तो देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन इसके एक्टर काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाले। जी हाँ, फिल्म में हमें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, इनके साथ साथ विजय राज और राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन कलाकार दिखाई देने वाले हैं, जो कि अपनी जबरदस्त कॉमेडी से सभी का दिल जीतने वाले हैं। अगर बात करें ट्रेलर की कुछ और दमदार चीजों के बारे में तो फिल्म के ट्रेलर को देख के पता चल रहा है कि यह फिल्म विजुअली भी सभी को काफी ज्यादा इम्प्रेस करने वाली। जी हाँ, फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसके चलते फिल्म के वीएफएक्स भी काफी हाई लेवल के हैं और हर मायनों में यह फिल्म सिंघम अगेन जैसी फिल्म को टक्कर देने वाली है, क्योंकि फिल्म की कॉमेडी भी काफी जबरदस्त होने वाली है। और फिल्म के ट्रेलर को देख के पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंगेजिंग होने वाली, जो कि ऑडियंस को जरा भी बोर होने नहीं देगी। साथ ही एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्टर तृप्ति ढिमरी, इन दोनों की जबरदस्त कॉमेडी और साथ ही इन दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री ऑडियंस का दिल जीतने वाली है। साथ ही आप सबको बता दें कि फिल्म के डायलॉग्स भी काफी ज्यादा फनी होने वाले हैं। और फिल्म के ट्रेलर में एक सीन ऐसा भी आता है जिसमें कि हमें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और विद्या बालन दोनों का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है, और ये सीन ऑडियंस को सिनेमाघर में काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो ये फिल्म 2024 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होने वाली, जो कि सिनेमाघरों में आते ही तूफान लाने वाली, और कमाई के मामले में भी ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो आप सभी को ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप सभी को क्या लगता है ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से ले पाएगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।